खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने कांग्रेस से दावेदारी की है। शेरा की दावेदारी से अरुण यादव का टिकट कट सकता है। कांग्रेस के सर्वे में सामने आया है कि अरुण यादव में खंडवा को जीतने की क्षमता नहीं है। विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने खंडवा से दावेदारी करके कांग्रेस में नया धमाका कर दिया है। खंडवा लोकसभा के उपचुनाव और 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोर ग्रुप की बैठक बुलाई थी। खंडवा सीट से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने दावेदारी की थी और अब तक यह माना जा रहा था कि अरुण यादव का टिकट पक्का है, लेकिन आज अचानक विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने खंडवा से दावेदारी पेश कर अरुण यादव की राह थोड़ी मुश्किल कर दी है। उन्होंने भरी बैठक में खंडवा से टिकट की मांग कर सबको चौंका दिया है। हर चीज को बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि आप में असीम क्षमता है हर मामले में। इस बार आप मेहरबानी करके खंडवा लोकसभा का जितना आप सर्वे करना चाहे सर्वे करें, परीक्षण करवाए, और जो कार्यकर्ता जो अंतिम व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति जो कांग्रेस जिसके पेट के अंदर शरीर में उससे पूछो आप सबको लड़ाना, उस आदमी को व्यक्ति को चुनाव लड़ाओ, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा ना, किसी लोकसभा में फर्क पड़ेगा, मैं विश्वास बना तो आने वाले विधानसभा में बहुत बड़ी जीतें जीती जाएगी, मैं आपको विश्वास बनाता हूँ। आखिरी से आपका है, जो आप चाहोगे वही हम करेंगे, बिल्कुल एक लाइन की बात बात, जो आप आदेश करेंगे वही होगा, दूसरा कुछ होगा नहीं, ये मैं वादा करता हूँ। जय हिंद। अरुण यादव पिछले कुछ समय से खंडवा से टिकट के लिए लॉबिंग कर रहे थे और उन्हें दिग्विजय सिंह का भी समर्थन था। इस बीच कांग्रेस ने खंडवा के लिए सर्वे करवाया तो ये बात सामने आई कि अरुण यादव खंडवा के लिए माकूल कांग्रेस प्रत्याशी नहीं है। अगर यादव को खंडवा से टिकट दिया जाता है तो कांग्रेस का जीतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में शेरा की दावेदारी से कांग्रेस में कई नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि अब कांग्रेस अरुण यादव का दांव नहीं खेलेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।